नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक रहेगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। लेकिन उससे पहले हमने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हमारा क्या मोटिव रहेगा? अभी हिमाचल में PGT का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें हिंदी का, फिज़िक्स का, कबर्स का, इन कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर हो चुके हैं। और इन PGT के पेपर्स में, इस PGT की रिक्रूटमेंट में दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जितनी कट ऑफ जाएगी उस हिसाब से आप जो है पास या फेल होंगे। लेकिन जो पेपर 1 है उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो लेवल है वो इनक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये जो हमारा हिंदी का, फिज़िक्स और कॉमर्स का पेपर हुए हैं, इन पेपर्स को हम एनालाइज़ करके, खासकर इनका जो पेपर 1 है उसको एनालाइज़ करके हम कुछ टॉपिक्स चूज़ करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री, इन सभी एग्ज़ाम्स के पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के थ्रू। इससे पहले अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। नाम से पता लग रहा है जो पॉलिसी है वो किस से संबंधित है? ट्रेड से। ट्रेड यानी कि हमारा, जब हम ट्रेड शब्द यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लेकिन ये जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, इस पे हम मेनली फोकस करते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो ये जो हमारी सारी पॉलिसी है ये एक्सपोर्ट्स के ऊपर रहने वाली है। हम यहाँ पर मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर रहेगा। तो ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसको सरकार 5 वर्षों के लिए बनाती है। जो हमारी प्रेजेंट की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो 2023 में शुरू हुई और हमारी अगले 5 वर्षों यानी कि 2028 तक चलेगी। इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को सरकार द्वारा लागू किया गया 1 अप्रैल 2023 में। अगर हम बात करें जो इससे पहले की हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, जो शुरू हुई थी 2015 में और हमारे 2020 तक उसका टाइम पीरियड था, लेकिन कोविड की वजह से या जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हो पाए, तो सरकार ने उस पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया था 3 वर्षों के लिए। यानी कि जो हमारी प्रीवियस पॉलिसी थी वो 2015 से शुरू हुई थी और चली थी हमारी 2023 तक। बट इन जनरल जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है वो सिर्फ 5 वर्षों के लिए ही आती है। अगर हम पिछली ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात करें तो उसका एम था कि जो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं उनको हमने 2023 तक, यानी कि जब ये इसको एक्सटेंड कर दिया था, बट उससे पहले 2020 तक सरकार का टारगेट था, इस पॉलिसी का टारगेट था कि हमने भारत के एक्सपोर्ट्स को $900 बिलियन तक पहुंचाना है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें, जो हमारे पास प्रेजेंट का डाटा है उसके अकॉर्डिंग मार्च 2023 तक भारत के एक्सपोर्ट्स 750 बिलियन हैं। तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना है, पेपर में आ सकता है कि भारत कितना एक्सपोर्ट करता है इन टर्म ऑफ वैल्यू, इन टर्म ऑफ करेंसी। तो ये जो है प्रीवियस पॉलिसी के बारे में आपने कुछ फैक्ट याद रखने हैं। अगर हम प्रेजेंट पॉलिसी की बात करें, प्रेजेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें, तो इसके 4 पिलर्स हैं, 4 आधारों पर ये बनी हुई है। पहला आधार है या पहला पिलर है कि जो हमने भारत से अगर कोई बिजनेस, कोई पर्सन एक्सपोर्ट करता है तो उसको हमने कुछ इनिशिएटिव देने हैं। सरकार उसको कुछ इनिशिएटिव देगी, कुछ डिस्काउंट देगी, कुछ रिमिशन देगी, यानी कि एक टाइप से कुछ सब्सिडी देगी। सरकार का एम है कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, यानी कि कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है, कोई बिजनेस लगाना चाहता है तो वो आसानी से लगा पाए। साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे हम एक कोलैबोरेशन के थ्रू, यानी कि कोई अगर एक्सपोर्ट करना चाहता है तो सरकार उसके साथ मिलके या फिर कोई बिजनेस ग्रुप उसको गाइड करेगा सो दैट वो आसानी से, अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाए। और चौथा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत सरकार इमर्जिंग एरियाज़ को सपोर्ट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इमर्जिंग एरियाज़ यानी कि जिनका फ्यूचर में बहुत स्कोप है। फॉर एग्ज़ाम्पल ई कॉमर्स, जो हम फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो, अमेज़न यूज़ करते हैं, ये सारे हमारे ई कॉमर्स हैं। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो भारत के डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, उनको एक्सपोर्ट हब्स की तरह डेवलप करना और भारत में स्कोमेट पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन करना, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको भी, उन सेक्टर्स को भी सरकार सपोर्ट करेगी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, सो दैट ये सारे सेक्टर्स एक्सपोर्ट कर पाएँ, एक्सपोर्ट प्रमोशन इन सेक्टर्स में भी हो पाए। तो स्कोमेट पॉलिसी के अधीन कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। स्कोमेट की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो SC से बना स्पेशल केमिकल्स, O से बना ऑर्गेनिज़म्स, M से मटेरियल्स, E से इक्विपमेंट्स और T से हमारा टेक्नोलॉजी। तो इन सभी चीज़ों के एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट करेगी सरकार
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023 में। अगर हम इस ट्रेड पॉलिसी के टारगेट्स की बात करें तो सबसे मेजर टारगेट है कि भारत के एक्सपोर्ट को हम इन टर्म ऑफ वैल्यूज़ पहुंचाना है $2 trillion बाय 2030, यानी कि 2030 तक भारत के एक्सपोर्ट्स की वैल्यू हमने $2 trillion तक पहुंचानी है। दूसरा कि हमने इस ट्रेड के लिए, इस एक्सपोर्ट्स के लिए करेंसी यूज़ करनी है रुपी, यानी कि इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी, लोकल करेंसी को हमने यूज़ करना है ट्रेड करने के लिए। इससे होगा क्या कि हमारा जो फॉरेक्स है उसकी कम से कम खपत होगी, साथ ही साथ हम इंटरनेशनलाइजेशन या फिर जो भारत की करेंसी है उसकी हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे, ग्लोबलाइजेशन ऑफ रुपी या फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी। और तीसरा कि जितना भी एक्सपोर्ट्स के लिए प्रोसेस है उसको हम डिजिटल फॉर्म में या फिर उसको हम किस प्रकार से जल्दी कर पाएँ, ये सरकार का इस पॉलिसी में तीसरा टारगेट रहेगा। इस पॉलिसी में सरकार ने कहा है कि हम जो भारत के ज़िले हैं उनको हम एक्सपोर्ट हब्स की तरह या फिर उन ज़िलों में से भी हम एक्सपोर्ट्स करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ज़िले की, किसी डिस्ट्रिक्ट की कोई फेमस गुड है उसको जो है सरकार एक्सपोर्ट करेगी, जैसे कि कोई GI प्रोडक्ट है उसकी सरकार प्रमोशन करेगी, उसको किस प्रकार एक्सपोर्ट किया जा सकता है, कैसे उसकी हायर वैल्यू मिल सकती है, कैसे जो है उस चीज़ के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है सरकार इसके अधीन करेगी। और सरकार का एक और इस पॉलिसी के अधीन मकसद है कि सरकार 4 नए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलियंस बनाएगी, यानी कि उन शहरों को एक्सपोर्ट में माहिर करेगी। किस प्रकार से फैसिलिटीज़ वहाँ पर बनाई जाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, गोडाउन्स बनाए जाएँ, सो दैट जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो इजीली एक्सपोर्ट कर पाएँ, उनको सरकार सपोर्ट करेगी। तो ये 4 कौन कौन से टाउन्स हैं ये आपको ध्यान रहने चाहिए, फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी, बनारस या फिर काशी। तो ये 4 टाउन्स को आपको ध्यान रखना है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत 4 कौन से शहर हैं जिनको सरकार टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलियंस बनाना चाहती है। प्रेजेंटली हमारे पास भारत में 39 टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलियंस हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये जो हमारे 4 टाउन्स होंगे इनको हमने प्रमोट करना है अंडर माई स्कीम, यानी कि मार्केट असेस इनिशिएटिव। इस स्कीम के थ्रू सरकार एक्सपोर्ट्स की प्रमोशन करती है बाय फाइनेंशियल हेल्प। सरकार भारत के जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, लोग हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है या कोई कंपनी है, एक्सपोर्ट करना चाहती है, कोई स्टार्टअप है एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो सरकार माई स्कीम के थ्रू फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। अगर कोई मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है, कोई एजुकेशन को एक्सपोर्ट करना चाहता है या फिर कोई कॉटेजेस एंड हैंडीक्राफ्ट यूनिट स्कीम के अधीन फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट से ले सकता है। तो ये था हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टॉपिक के बारे में। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।